And this street was in shambles, courtesy municipal council Shopian, courtesy the secretary municipal council Shopian, courtesy the executive officer, who really showed keen interest, and they initiated the work on this street within a couple of days' time, as soon as we actually started complaining about this road. As कुछ वक्त कबल हमने एक स्टोरी चलाई थी जहां पर आपने एक रोड की खस्ताहाली अपनी आंखों से देखी थी। आज के इस दौर में जहां पर 21वीं सदी का दौर है, हर एक रोड मैग्नमाइज्ड है और डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, वहीं पर आज इस दौर में भी पिंजोरा, जो कि अब टाउन का हिस्सा है, वहाँ का एक रोड ऐसा था जो चलने के लिए नाकाबिल था। हालांकि गाड़ियों की बात तो अलग थी, पैदल भी इस रोड पर चलना मुश्किल हो गया था। यहाँ के रिहायशियों ने खुद अपने घरों से निकलकर इस रोड को तामीर किया। हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से कुछ इन्हें इसके लिए जेसीबी जैसे बाकी मशीनें दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे चलना थोड़ा मुश्किल ही था। इस रोड को बनाने के लिए यहाँ के लोग जो है वो खुद सड़कों पर निकले, और कहीं ना कहीं यहाँ के यूथ, जो हमारा फ्यूचर जो है, उन्होंने इस रोड को बनाने में अपना वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा इस काम में दिया। और इसके साथ साथ हमारे ज़िले शोपियान के एक माने जाने यूथ आइकन एडवोकेट ओएस खान साहब इस काम में जिन्होंने शमूलियत की, और यहाँ के लोगों की आसाइश के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस सारे ज़िमन में क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। Assalamu alaikum, my name is Mukhtar. I am one of the locals of Gugulura area. This is the Nayak Mohalla Gugulura street, as you can see. And this street was in shambles, courtesy municipal council Shopian, courtesy the secretary municipal council Shopian, courtesy the executive officer, who really showed keen interest, and they initiated the work on this street within a couple of days' time, as soon as we actually started complaining about this road. As you can see, it was absolutely in shambles. This road was in a dilapidated condition. But now, yesterday, if you talk about yesterday, the work on this road was on with the, it was actually underway with the JCB, and today gravel and sand is being spread on this street so that people can conveniently walk on this street. So we are once again thankful to the municipal council Shopian, and particularly to OS sir, who took really a keen interest in this road and solved our problem on emergency basis. Sabse pehle Allah Taala ka hum shukr ada karna chahte hain कि जब हमें ये क्वेरी आई थी यहाँ से, जाफ़र भाई यहाँ पिंजोरा में रहते हैं, तो इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया था, इन्हें अपनी ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे डाली थी और ये हम तक पहुँची। और उसके बाद हमने जब विज़िट किया, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ से ऑलरेडी जो चलने के लिए नाकाबिल रोड था, यहाँ से जो भी ये ड्रेन का पानी आता था सारा रोड में ही आता था। उससे क्या होता था कि उससे लोग चल नहीं पाते थे। और उसके बाद हमने इस आपके मीडियम के थ्रू ही हमने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद हम ईओ साहब से भी मिले, सेक्रेटरी साहब से भी मिले शोपियन म्यूनसिपल काउंसिल, और उनका ये था कि अभी कुछ ऐसा करना था कि ये चलने के लायक रोड हो जाता, और इसमें उनकी हेल्प जो थी वो बहुत ही ज़रूरी थी। उसमें उन्हें अपनी मशीनरी भेजी, और उस मशीनरी की वजह से थोड़ा सा इसको जो ड्रेन को साफ़ किया गया, ये जो कचरा पड़ा था इसमें ब्लॉक हो गई थी ये ड्रेन, वो निकाला उन्होंने। तो उन्होंने इसमें अपना रोल निभाया जो कि वो इमरजेंसी सिचुएशन में उन्होंने किया। और उसके बाद हमने आज ये जो बजरी है इस पे हमने खुद पर्सनली ये बजरी लाई, ताकि हम चाहते हैं कि जो भी सवेरे नमाज पढ़ने के लिए बुज़ुर्ग जाते हैं उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने इसमें अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए कि यहाँ पे सवाब के लिए हमने ये काम यहाँ पे अंजाम दिया। और पर्टिकुलरली जो हमारे यहाँ के यूथ के कुछ लड़के हैं, जैसे जिसमें जाफ़र भी है और इसके कुछ साथी भी हैं, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने एक सेटअप उठाया अपने रोड के लिए, अपने रास्ते के लिए, जब ये उठे हम भी इनके साथ जुड़े, और इनके एफ़र्ट्स हमने इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से
इनको प्रैक्टिकली हमने करके दिखाया है। विद इन 2-3 डेज ये रोड अभी चलने के लायक हो गया है। इसमें बजरी हमने मंगवाई खुद पर्सनली, म्यूनसिपलिटी का इसमें एक रोल था कि उन्होंने JCB मशीन यहाँ भेजी, उसके बाद हमने ये बजरी मंगवाई और अभी मुझे लगता है कि अभी चल भी सकते हैं आराम से इसमें, और अभी इसमें गाड़ियाँ भी आराम से जाएगी। और इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है अपने शुपियन म्यूनसिपल काउंसिल पे, पर्टिकुलरली सुहेल साहब पे और सेक्रेटरी साहब पे। जो भी काम, लोगों की जो भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ पे अंजाम देते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी आपके मीडियम के थ्रू उन सब नौजवानों से, यूथ से, क्योंकि आपको पता ही है जब कोई चेंज लानी होती है तो यूथ को उसमें अपना रोल निभाना पड़ता है। तो जैसे आज जाफर जैसे लड़के, मुख्तार जैसे लड़के यहाँ पे निकले, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, इसमें हमने भी अपना एक रोल निभाया और म्यूनसिपल काउंसिल ने भी एक अपना रोल निभाया। उनके सपोर्ट के बगैर ये इम्पॉसिबल था। और अभी फर्दर मतलब अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस रोड में, जैसे ड्रेनेज के लिए इसमें बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स है इस रास्ते में। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि म्यूनसिपल काउंसिल इसको पूरा क्लियर करेंगे, पूरा ड्रेन को, ड्रेनेज सिस्टम इसका पूरा पक्का बनाएंगे, ताकि यहाँ से जो लोग चलते हैं, बच्चे चलते हैं, उनको प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े।